हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नमक पीसने जा रही हूँ जिसके साथ आप 7-8 रोटी ऐसे ही खा लेंगे और उसके आगे मटर पनीर एंड नॉन वेज फेल हो। तो वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते उस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, इस नमक को पीसने के लिए आपको नमक लेना है व्हाइट वाला। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल रखा है और आप देख सकते हो ये लाल मिर्ची है। ये लाल मिर्ची मैंने तवे पे भूनी है। भून के लाल मिर्ची का नमक पीसने में बहुत अच्छा होता है। ये जीरा है और ये हरी मिर्ची और लहसुन। इसमें लहसुन सबसे ज़्यादा डालनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा लहसुन होती उतना ज़्यादा नमक सब अच्छा पीसा जाएगा और जितनी मिर्ची होगी उतना नमक चटपटा पीसा जाएगा। ये जीरा भी मैंने भूना है तवे पे। उसको वहीं पे रखना है। नमक जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा पिसा जाएगा। अगर हम नमक इसमें भर के डालेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। नमक नॉर्मल दिखेगा, मतलब नॉर्मल लगेगा, खाने में इतना चटपटा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने नमक कम लिया है और मिर्चियाँ ज़्यादा ली है क्योंकि जितना चटपटा नमक होता है उतना मज़ा आता है रोटियों के साथ। आप प्याज के साथ या रोटी में नमक लगा के खा सकते हो आराम से 4-5 रोटियाँ। यार ये पहले पंखा बंद करते हैं, ये उठ रहा है। तो दोस्तों, जब आप ये नमक पीसोगे तो थोड़ा थोड़ा हरी मिर्ची लेनी है इसमें, सिलबट्टे पे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा लोगे तो ये नमक नीचे भी गिर जाएगा पूरा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पीस रही हूँ। जब इसको पीस लूँगी तब थोड़ा और हरी मिर्ची लूँगी, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा जीरा और नमक। और इसको पीसने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी पीस सकता है आराम से अपने घर पर।
देख सकते हो इसको पीसते पीसते ये नमक, इसमें जो मिर्च थी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, पीसते पीसते कितना बारीक हो गया। इसे थोड़ा और पीसना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो दोस्तों ये नमक पूरी तरीके से पीस चुका है, आप देख सकते हो ये पहले कितना, मतलब कितनी मुश्किल से पीसा है इस नमक को। इसमें हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और जीरा सब था, बट बहुत बारीक पीसा है, इससे ज़्यादा बारीक ये हो नहीं सकता है। और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, जितनी इसमें मेहनत लगती है उतना ही खाने में अच्छा होता है। मैंने इसे एक डब्बे में भर के रख दिया है। आराम से ये नमक आपका पूरा 1 मंथ या 20 डेज तो आराम से निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर आप दही के साथ या रोटी के साथ खाते हो तो ये आराम से 20 दिन मैक्सिमम निकल सकता है आपका ये नमक। तो दोस्तों नमक पूरी तरीके से पिसकर तैयार हो चुका है और मैंने इसे डब्बे में भर दिया है। अगर आपको मेरी ये नमक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।